In last chapter, we saw, in last day, we saw how civil disobedience movement was formed by Gandhiji and how it spreads in everywhere, every part of the India. Now we shall continue with them. In Dharsana Satyagraha, the Satyagraha at Dharsana in Gujarat was led by Sarojini Naidu. The police lathi charge on the Satyagrahis who came forward to break the Salt Act. The Satyagrahis silently tolerated the blows of the lathi. When they were taken away for medical aid, another batch of Satyagrahis came forward to replace them. This continued endlessly. In Maharashtra, Salt Satyagraha took place at Wadaya, Malwad and Shiroda. Where there were no salt pans, the forest laws were broken. There were Jankal Satyagrahas at Bilashi, Sangamner, Kalvan, Chirner and Pusad in Maharashtra. The tribal people also took part in the Satyagrahas in large members. Sacrifice of Babu Venu. In Mumbai, there was agitation against foreign goods. The vehicles transporting foreign goods were obstructed. Mumbai mein foreign goods ko virodh kiya gaya. Jahan jahan par jo jo vehicles foreign goods ka transportation ho raha tha, un vehicles ko obstruct kiya gaya. Babu Venu said a said mill worker from Mumbai was in the front foot in this movement. Iska netrutva Babu Venu namak ek work mill ne kiya tha. A truck carrying foreign goods safeguarded by the police came in front of Babu Venu. To stop the truck, he lied down on the road. Babu Venu ne truck tab awaaz gaman karne ke liye manai ki aur wo truck ke samne aa gaye. Police threatened him, but he did not move from his place. Police ne unko discourage karne ka kaha, discourage karne ki koshish ki, par wo nahi hate. Finally he was crushed under the truck. अंततः उनको क्रश किया गया ट्रक के अंदर. बाबू गेनु गेन मार्ट्रियन, बाबू गेनु शहीद हुए. द सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनु गेव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मूवमेंट. बाबू गेनु का सैक्रिफाइस नेशनल मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन हुआ. Round table conference. In the opinion of British Prime Minister Ramsay MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. जब रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश के पंतप्रधान थे, उन्होंने इंडिया की संविधान के लिए कुछ विचार किया. फॉर दिस पर्पस ही ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस एट लंदन. उन्होंने इस पर दृष्टिकोण से एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की. दिस कॉन्फ्रेंस इज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहचाना जाता है. इन द पीरियड बिटवीन 1930 to 1932 थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वेयर ऑर्गेनाइज. इन बिटवीन 1932-32 देयर वेयर थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाज ऑर्गेनाइज. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रामसे मैकडोनाल्ड वाज द चेयरमैन. रामसे मैकडोनाल्ड वॉज द चेयरमैन ऑफ द राउंड टेबल. इस राउंड टेबल के चेयरमैन रामसे मैकडोनाल्ड खुद थे. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस. दिस इंक्लूडेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू,
बैरिस्टर जीना एक्सेट्रा यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में भारत के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। उनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू और बैरिस्टर जीना सम्मिलित थे। इन द कॉन्फ्रेंस देयर वेयर डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्टेट इन इंडिया एक्सेट्रा। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे विचार विनिमय किया गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। हाउएवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंट द कंट्री। पर इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो देश को रिप्रेजेंट करती थी। विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द डिलिबरेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर इंडीड मीनिंगलेस। यानी जो भी इसके अलावा जो भी राउंड टेबल के विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर वेर नो मीनिंगफुल इन द कॉन्फ्रेंस। गांधी अरविंद पैक। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज होप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। In view of the appeal made by the Prime Minister, the Viceroy released Mahatma Gandhi and other leaders from prison. Thus, a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issue freely. The British Prime Minister Ramsay MacDonald को ऐसी आशा थी कि पार्टिसिपेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इसलिए उन्होंने सेकंड राउंड टेबल में इंडियन नेशनल सम्मिलित हो, इसलिए भारत के वॉइसरॉय को महात्मा गांधी जी को प्रिजन से हटाने की मांग की, अपील की। दस और सेकंड कॉन्फ्रेंस के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर किया गया। अ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड वॉइसरॉय अरविंद विच इज नोन एज द गांधी अरविंद पैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अश्योर्ड दैट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी एडेड इन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्सिक्वेंटली Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the Roundtable Conference. Second Roundtable Conference. In 1931, the Second Roundtable Conference was organized. Mahatma Gandhi attended this conference as a representative of the Indian National Congress. Along with the Indian National Congress, representatives of various castes and communities, political parties as well as princely states were invited. In 1931 में second round table conference organized की गई जिसमें महात्मा गांधी सम्मिलित हुए। इसके अलावा भारत के अन्य पार्टियों के सदस्य तथा princely state के सदस्य भी सम्मिलित हुए। द गवर्नमेंट पुट फॉर द इशू ऑफ माइनॉरिटीज इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। देयर वेर डिफरेंसेस रिगार्डिंग दिस इशू एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। गांधी अरविंद पैक्ट में जो वादा किया था वो वादा इस इंडिया ये सेकेंड राउंड टेबल में नहीं आ रहा था। तो there were differences regarding this issue and also regarding nature of the perspective. Federal constitution, Gandhiji tried to bring in amenity
in the opinion, but unsuccessfully. Finally, Gandhiji became disappointed and returned back to India. Pune back. Dr. Babasaheb Ambedkar represented the Dalits in the roundtable conference. He demanded separate electorates for the Dalits. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दलित लोगों के लिए एक अलग सा निर्वाचन क्षेत्र करने की डिमांड की थी. आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड डिक्लेयर्ड द कम्युनल अवार्ड्स. अकॉर्डिंग टू इट दलित्स वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स. गांधीजी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ एट येरवाडा जेल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट on the basis of caste. Gandhiji ne is appeal ko reject kiya aur amaran anshan karne ko yerwada jail mein wo amaran anshan par baith gaye. The leaders of Indian National Congress requested Dr. Babasaheb Ambedkar to reconsider the demand for separate electorates. अलग सा निर्वाचन क्षेत्र करने के इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब को ये रिक्वेस्ट की कि ये जो प्रावधान है उसको कैंसिल किया जाए. कीपिंग इन द माइंड the interest of the nation, Dr. Baba Saheb Ambedkar was ready to accept this request. Dr. Baba Saheb Ambedkar ne ye request manne ki. In 1932 Mahatma Gandhi and Dr. Baba Saheb Ambedkar signed the famous Pune Pact. According to this pact, separate electorates for the Dalits was cancelled and a provision for reserved seats was made. The third round table conference. In November 1932, the third round table conference was organized in England. The Indian National Congress boycotted the conference. Thus, this conference proved to be futile, fruitless, in vain. Second phase of civil disobedience movement. Gandhiji returned to India from the second round table conference with a dejected mind. He decided to restart the civil disobedience movement. Gandhiji was immediately arrested. Hence, there was a discontent among the people. Government responded to this movement by using inhuman oppressive methods. ये आंदोलन छिड़ने को ब्रिटिश ने cruel treatment की. There was a strangling of civic rights everywhere. The Indian National Congress and its associate institution were declared illegal. Indian National Congress और उसके सहयोगियों को illegal कर दिया गया. Restrictions were levied of national newspaper and literature. Newspaper और literature साहित्य पर जो राष्ट्र विरोधी हो उसको बंद किया गया. फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधीजी विड्यू द मूवमेंट एंड द हिस्टोरिक फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड. इस तरह गांधीजी ने 1934 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्यू किया और इस तरह उसका इस मूवमेंट का अंत हो गया.